अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनैद भट्ट सेवरी। तो दोस्तों, आज के एक नए टॉपिक के साथ देंगे वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत से दोस्तों की व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आ रही थी और मुझे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स किया कि भाई हमारे मुर्गियाँ अंडा नहीं देती और बहुत अरसा गुजरा हुआ है और मुर्गे के साथ पेयर नहीं बनाती। तो दोस्तों, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हर एक को रिप्लाई तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कहा कि चलें इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देते। तो दोस्तों, तीन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तीन बातें यानी तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं अगर आप बाहर से कोई मुर्गी ख़रीद के लाते। तो दोस्तों, तीन बातों को आपने ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस मुर्गी को आपने बाज़ार से ख़रीद के लाएँ या किसी दोस्त से लाएँ, तो ये देखना है कि मुर्गी अंडों पर उसके साथ बच्चे तो नहीं थे। अगर उसके साथ बच्चे थे तो आपने क्या करना है, तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे उसको मुर्गे के साथ छोड़ दें तो वो मुर्गे के साथ आहिस्ता आहिस्ता पेयर बनाना शुरू कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता पहले मुर्गा उसके करीब आएगा, फिर घूमेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ पेयर बनाएगा और इंशाल्लाह आपकी मुर्गी अंडे दे देगी। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि मुर्गी अंडे दे के कुड़क तो ही हुई है, क्योंकि अक्सर मुर्गियाँ अंडे दे दे के 10 से 12 अंडे दे के कुड़क हो के एक जगह पर बैठ जाती हैं और वो आप बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं कुड़क मुर्गी और फिर आप 8-10 दिन रखते हैं, फिर एक तो मुर्गे के साथ पेयर नहीं बनता और दूसरा मुर्गी अंडे नहीं देती। तो ये भी भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सब्र रखना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी मुर्गी मुर्गे के साथ पेयर बना के और आप अंडे देने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखनी है, चलें मैं तीसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि मुर्गी फ्रीजिंग पे तो नहीं है। अक्सर मुर्गी, मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट्स दिखा देता हूँ, मेरी एक मुर्गी अभी वहाँ है सफ़ेद, वो फ्रीजिंग पे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की ये गोल्डन मुर्गी है और ये फ्रीजिंग पे। अभी ये देखें, ये अपने पर जा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें आप दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके गर्दन के ये पर जा रही है, और इस तरह की मुर्गी होगी ये कभी भी अंडे नहीं देगी जब तक इसके नए पर नहीं निकलेंगे। ये आप देखें, दोस्तों इस तरह की मुर्गी होगी तो वो कभी भी आपको अंडे नहीं देगी। तो यानी जब मुर्गियां अपने पर झाड़ती हैं तो वो अपने पुराने पर गिराती हैं, नए पर जब तक नहीं आते तब तक मुर्गी अंडे नहीं देती और मुर्गी के साथ पेयर भी नहीं बनाती। अभी मेरे पास एक मुर्गी है गोल्डन है, तो वो अभी अंडे नहीं दे रही क्योंकि वो अपने पर जा रही है। उसकी मैं आपको शॉर्ट्स थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये है कि ये तीनों पॉइंट भी अगर आपने देख लिया, आपकी मुर्गी फिर भी अंडे नहीं देती, तो आपने ये देखना है कि मुर्गी उसको कोई विटामिन और कैल्शियम वगैरह की कमी तो नहीं है। तो आपने उसको क्या करना है, एवियन कैप्सूल होते हैं वो खुराक में थोड़ा बहुत दें, फिश ऑयल वगैरह दें, और कैल्शियम सिरप होती है पानी में वो आज दूसरे तीसरे दिन में, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी अंडे देने लग जाएगी। अच्छा, ये तीनों बातों के बावजूद भी अगर आपकी मुर्गी अंडे नहीं देती तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है कि मुर्गी को पकड़ के और उसके दुम के ऊपर एक छोटा सा कील होता है वो आप नोटिस करेंगे, वो कील होता है क्योंकि मुर्गी के पीछे जोड़ में भी चर्बी हो जाती है और उस कील पर भी दुम के ऊपर चर्बी आ जाती है। तो ये मुझे मेरे एक दोस्त ने ये टोटका बताया था और ये मेरा जिंदा टोटका है। मेरे पास ये मुर्गी जो शुरू में मैंने वीडियो में पकड़ी हुई है, ये मैं 2 महीने पहले लेके आया था भाई, ये इसके साथ बच्चे थे, तकरीबन 1.5 महीना भी गुजर गया, मुर्गियों को पेयर नहीं बनाने दे रही थी। मुर्गा जब इसके करीब आया होगा ये भागती थी, तो फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ब्लेड से छोटा सा वो दुम के ऊपर जो कील होती है उसको ब्लेड के आपने छोटा सा कट लगाना है, कट लगा के आप दबाएंगे तो उसके अंदर से चर्बी निकलेगी, तो वो चर्बी आपने निकाल देनी है, उसका ज़ख्म खुद बहुत ठीक हो जाता है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी YouTube की पॉलिसी है, नहीं तो मैं आपको कट लगा के वो दिखा भी देता, लेकिन मेरे अभी मुर्गी की लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अभी उसकी चर्बी निकाल चुका हूँ। तो वो लगाने के बाद तकरीबन गिने हुए 5 से 6 दिन बाद वो मुर्गी करीब आने देगी और क्रास हो जाएगी और जिसकी वजह से मुर्गी अंडे देगी। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुर्गियों को ज़बरदस्ती मुर्गे से क्रास करवाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुर्गियाँ अंडे नहीं देती जब तक वो अपनी जिस्मानी वज़न बराबर नहीं करेगी, उसमें खुराक की कमी और जो कुछ भी उसमें कमी होगी वो पूरा नहीं करेगी तब तक मुर्गी अंडा नहीं देगी। आप मुख्तलिफ़ नुस्खे वगैरह लोग बताते हैं दें उसमें,
ये नहीं है कि वो नुस्खे देने से वो अंडे दे या ना दे, वो एक अल्लाह का काम है। लेकिन ये कि आप नुस्खे उसको एवियन कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि वो फ़ायदे ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। उसमें जो उसकी प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन की कमी होगी, उससे पूरी हो जाएगी। फिश ऑयल दे सकते हैं और कैल्शियम सिरप दे सकते हैं। इस चीज़ पे अलहदा से हम टॉपिक पे अलहदा से वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो मुर्गी मैंने शुरू में पकड़ी हुई थी, इसने तकरीबन 7 से 8 अंडे दिए हुए हैं। तो इसमें इसके ये तीनों बातें मैंने जो बताई हैं, एक तो वो पर भी इसके ठीक थे, पर भी नहीं करा रही थी। दूसरा, इसके साथ चेक्स ने अलग कर दिया था और फिर भी 1.5 महीने बाद ये अंडे निकल गए। और तीसरी बात ये है कि ये कुड़क भी नहीं हुई थी। तो फिर क्या मसला था? फिर यही इसका चर्बी वाला मसला था, वो मैंने हल कर दिया। अभी ये एक जगह पर अंडे भी दे रही है और इसी जगह पर ये कुड़क बैठ जाएगी और वही अंडे इसके। अच्छा, दूसरा ये है कि मुर्गी जब भी अंडे आपकी दे, तो एक जगह से आप अंडों को हटाएं नहीं, क्योंकि अंडों को हटाएंगे तो उसके टाइमिंग में फ़र्क होगा, जिसकी वजह से आपकी मुर्गी डेली के डेली अंडे नहीं देगी। मेरा ये रूटीन है कि जहाँ मुर्गियाँ जो भी अंडे देती हैं, मैंने मुख्तलिफ जगह बनाई हुई हैं, तो वहाँ मुर्गी डेली के डेली अंडे देती है। 3, 4, 5 अंडे उसके नीचे पड़े रहते हैं और जो नए 5 ऊपर डालती है वो मैं उठाता रहता हूँ। इसकी वजह से मुर्गी डेली के डेली अंडे भी देती है और उसके ऊपर कुड़क भी ठीक बैठ जाती है और बच्चे भी निकालने हो तो निकल आते हैं। तो भाई, आज का टॉपिक यही था कि तो दोस्तों, आज मैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने मुर्गी की जगह बनाई हुई अंडे देती है। अभी असल में इस जगह पे उसके अलावा दूसरी मुर्गी अंडा नहीं देती। अभी ये दूसरी वैसे आके बैठ गई है, तो अभी मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अंडा देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन यहाँ ये बैठती नहीं होती। आज इतफाक़ से ये बैठती हूँ क्योंकि इनकी जगह अलग है और उस मुर्गी की असील की अलग है। क्योंकि मुझे पता लगता है ये असील मुर्गियाँ अंडा देती है, और उसके अलावा जब ये यहाँ कुड़क बैठेगी तो उसके नीचे ही हम बच्चे बना देंगे। तो अभी मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, 3 और 3, 6, 7, 8 तकरीबन। ये अभी एक अंडा इसने दिया है, ये साइड पे जो वाइट वाला पड़ा है, और दूसरा आप देख सकते हैं 7 अंडे, वो उसी जो पहले मैंने आपको सील की मुर्गी जो शुरू में पकड़ के दिखाई हुई थी, ये उसी के अंडे हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैंने मुर्गी के साथ वो चर्बी निकालने वाला ट्रीटमेंट किया है, तो इंशाल्लाह मेरी मुर्गी अब अंडे देने लग जाएगी। आपके साथ भी अगर कोई मसला, मुर्गी अंडे नहीं दे, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरे ख्याल से वो बाहर चली, नहीं, ये खड़ी है। तो ये मुर्गी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मुर्गी आप देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह, लाजमी कर दीजिएगा, काफ़ी बड़ी मुर्गी है। इसके नीचे इंशाल्लाह अंडे भी रखेंगे और देखेंगे कितने पेट्स निकलते हैं। मुर्गा हमारा ऊपर बैठा हुआ है दीवार पे, ये देखें। तो ये देख सकते हैं आप, दूसरी मुर्गी ये सारी अंडे देती हैं, ये देखें। इनके अलावा वो पीछे भी हैं। ये वही वाली मुर्गी है जो पर झाड़ रही है, ये मिस्री मुर्गी है। ये दोस्तों, इस मुर्गी का मुझे बता दीजिएगा ये कौन सी नस्ल की है। असल में मुझे इसका नहीं पता ये कौन सी नस्ल की है, लेकिन है बहुत प्यारी है। ये देखें आप, मुझे इसका बता दीजिएगा ये कौन सी नस्ल की है, इसका मुझे नहीं पता। तो ठीक है दोस्तों, जुनैद भट्ट सैबरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में लाजमी बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।